जय माता दी। हम अपनी एक नई यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं। ये यात्रा देवभूमि हिमाचल की है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने भोपाल से पठानकोट तक की रेल यात्रा की, फिर हमने चिंतपूर्णी माता की यात्रा आरंभ की जो लगभग 90 किलोमीटर की है। हमने साई ट्रेवल से किराए पर ट्रेवलर की और रास्ते में पंजाबी चाय का आनंद लेते हुए माता के दरबार पहुंचे। बस स्टैंड से माता जी का दरबार 1.5 किलोमीटर का है। लगभग 100 मीटर पैदल चलने के बाद आप माता के दरबार में नतमस्तक होते हैं। चिंतपूर्णी माता जी उन 51 शक्ति पीठों में से एक है जहां पर शिव और शक्ति का वास है। मान्यता ये है चिंतपूर्णी में माता सती के चरण गिरे थे और ये भी माना जाता है कि चिंतपूर्णी देवी मंदिर के चारों ओर भगवान शंकर के मंदिर विराजमान है। चिंतपूर्णी मंदिर के पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नहारा महादेव, उत्तर में मुचकुंड महादेव और दक्षिण में शिवबाड़ी है। नवरात्रि में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है कि जब माता ने महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ का वध किया तब जय और विजया भी साथ थी। तब युद्ध उपरांत जय और विजया की रक्त की प्यास नहीं बुझी। तब माता ने यहाँ पर अपने मस्तक को गर्दन से अलग कर रक्त की धारा से जया और विजया की प्यास का अंत किया, इसलिए इस स्थान को छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंडित माईदास ने माता के स्थान की खोज की है। कहानी कुछ ऐसी है कि गरीबी से परेशान होकर एक बार माईदास ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक बरगद के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे तब सपने में माता ने छोटी बालिका के रूप में दर्शन दिए। नींद खुलने के बाद माईदास को कोई नहीं दिखा, पर ससुराल से लौटते वक्त माईदास दोबारा उसी बरगद के नीचे ध्यान लगाने लगे। तब माता ने अपनी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे पिंडी रूप में वास करूंगी और माईदास को वो जगह भी बताई जहाँ से पत्थर हटाने पर सरोवर का जल मिला। इसी जल से आज भी माता की पूजा अर्चना होती है। गर्मियों में मंदिर खुलने का समय 4 बजे का है, बंद होने का रात्रि का समय 10 बजे का है और आरती का समय 8 बजे का। सर्दियों में मंदिर खुलने का समय 5 बजे हो जाता है, बंद होने का 9:30 बजे और आरती का समय 7 बजे का। साल भर दोपहर को 12 से 12:30 तक माता जी के भोग के लिए मंदिर बंद रहता है। माता के मंदिर में लंगर भी उपलब्ध है। दोपहर में 12 से 2 बजे का समय और रात्रि का भोजन गर्मियों में 8 से 10 और सर्दियों में 7:30 से 9:30 तक का रहता है। हमने माता के दर्शन के बाद ज्वाला देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। अगर आपको माता के दर्शन में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।